हाय गाइस, सभी का स्वागत है वाईफाई 2.0 पर। मैं हूँ नेहा और आप सभी का मेरे साथ में यहाँ पर वेलकम है। सभी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं आज के सेशन में। वेरी वार्म एंड प्लेजेंट गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अनअकैडमी के एक और चैनल पर कनेक्ट हो चुके हैं और ये इंडिया का नंबर वन स्टडी चैनल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आज के सेशन के बारे में और देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। कैप्टन तनुज, पलक, मुकेश, लक्ष्मी प्रिया, सुनील एंड ऑल दी कैंडिडेट, सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए बढ़िया है। नीरज एंड ऑल दी कैंडिडेट, वेरी वार्म एंड प्लेजेंट गुड इवनिंग दोस्तों। जल्दी से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, ठीक है। देखो, वेट मत किया करो मेरे बोलने का, या फिर वेट मत किया करो, आते ही सेशन को एक बार शेयर कर दिया करो। जैसे ही सेशन आप अटेंड करने आते हो, एक बार लाइक कर दिया करो और एक बार शेयर कर दिया करो। बात करेंगे, आज 9th ऑफ दिसंबर है। 9 दिसंबर 2020 का सामान्य विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डे नंबर 3। तो आज तीसरा दिन है, देखते हैं क्या क्या नए नए क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। लास्ट जो सेशन था वो तो आपको बहुत टफ लगा था, क्योंकि वहां पर मैंने आपको हमारे मस्तिष्क और ब्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। तो ब्रेन के क्वेश्चंस हमेशा देखो टफ तो लगते ही हैं, लेकिन जितनी आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना आप उन्हें रिवाइज कर लेंगे दोस्तों, ये तो है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहा करो, रिवीजन करते रहा करो। रिवीजन इज द की, उसे नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे, बात करेंगे आपके शेड्यूल के बारे में। तो जैसे कि शेड्यूल आप सभी को पता है, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सुबह आपको क्लासेस मिलती है अकेडमी पर 11 बजे, फिर आपको क्लास मिलती है 12:30 बजे, और फिर आपको क्लास मिलती है 2:30, है ना। ये जो सेशन है आपका 11 बजे वाला दोस्तों, ये सेशन बिल्कुल फ्री है, आप इसे अटेंड करके देखिए। फ्री सेशन अटेंड करने में कुछ नहीं जाता, एक बार अटेंड करके देखो, क्या पता फ़ायदा हो जाए, क्या पता अच्छा लगे। 12:30 का सेशन भी बिल्कुल फ्री है। और आज मैंने यहाँ पर हार्ट कंप्लीट कराया था, तो जिन लोगों को हार्ट को लेकर परेशानी थी और इसकी वर्किंग समझ में नहीं आ रही थी, वो बच्चे आज की जो क्लास है रिकॉर्डेड है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा आपको, और आपको सारे जो डाउट्स हैं आपके हृदय से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। 2:30 का सेशन है दोस्तों, ये जो सेशन है ये आपका प्लस सेशन है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये प्लस सेशन, ठीक है। इसी के साथ आगे चलेंगे, रोज शाम का 5 बजे का यूट्यूब सेशन तो हमारा फिक्स है, वो फिक्स रहेगा। अब बात कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है तो आप अपने एजुकेटर के साथ में इंटरेक्ट कर पाएँ, आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएँ, आपको PDF मिल पाए हर एक क्लास की। और कोई लिमिट नहीं रहनी चाहिए आप लोगों के पास में कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर रहे हो, है ना भाई। कुछ बच्चे हैं जो 10 क्वेश्चन ही करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 60 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना ज़्यादा टेस्ट सीरीज दे सकते हो, उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्विज दे सकते हो, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या स्टेप आप लोगों ने लेने हैं। पहले स्टेप में आप लोगों ने अपना जोनर सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 हाईलाइट किए हुए हैं, या तो आप रेलवे में पढ़ाई करेंगे या फिर आप UPSC में पढ़ाई करेंगे, तो दोनों ही जगह आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी, रेलवे के एग्जाम डिपार्टमेंट में भी और स्टेट में भी, ठीक है, यूपी स्टेट के आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। इसी के साथ आप यहाँ पर अपना टीम चुन सकते हैं, जैसे ही आप टीम चुनेंगे तो आप यहाँ पर अपने अपने हिसाब से टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर प्लान चुनेंगे, प्लान के लिए आपके पास एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप जब प्लान चुनेंगे तो प्लान देख लेना 12 महीने का या फिर 6 महीने का, दोनों ही प्लान बहुत अच्छे हैं। 12 महीने का प्लान भी अच्छा है, 6 महीने का प्लान भी अच्छा है, और 24 महीने वाला प्लान सबसे बढ़िया है ना। 24 महीने का प्लान सबसे अच्छा है, आराम से एक बार काम करना, बाकी आपके 24 महीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम और करना, आप यहाँ पर एक कोड लगा सकते हैं, कोड है YT नेहा। जब आप इसका कोड लगाएंगे दोस्तों, तो इस कोड को लगाने पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो जितना भी तब चल रहा होगा, तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। इसी के साथ में आपको डिस्काउंट जब मिल जाएगा, आपको जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, और फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपके क्वेश्चंस की, ठीक है। अब बात करेंगे कल के सेशन की। कल सेशन में जाते जाते मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो क्या आप लोगों ने वो क्वेश्चन किया? कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, क्या आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिया है होमवर्क का? एक ही क्वेश्चन था, ज़्यादा था ही नहीं। लक्ष्मी प्रिया, मुकेश, जॉन गैम्ब्रिज, कैप्टन तनुज, मुकेश, लक्ष्मी प्रिया एंड ऑल दी कैंडिडेट, जल्दी से बताओ आप लोगों ने क्वेश्चन किया होमवर्क का दिया था? चलो
ठीक है, आई रियली होप आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ आज के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कैसा आता है। पूछा गया है अल्जाइमर डिसीज इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ। ह्यूमन के अंदर जो अल्जाइमर बीमारी होती है ना, मनुष्य के अंदर जो अल्जाइमर बीमारी होती है ये किस चीज़ की कमी से रिलेट करती है। चंदन आंसर बताइए, है ना, ये किस चीज़ की कमी से रिलेट करती है। अल्जाइमर बीमारी किस चीज़ की कमी से रिलेट करती है। हेलो प्रदीप, आंसर आप देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर एसिटिलाइन क्लोरीन, डोपामाइन, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। किसी पर्सन को अल्जाइमर की बीमारी हो गई है, अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी, है ना, काफी खतरनाक हो जाती है अगर इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए। तो अल्जाइमर जो बीमारी है ये भूलने की बीमारी, अगर किसी व्यक्ति को ये हो गया है तो क्यों हुआ है, उसके शरीर में किस चीज की कमी है, किस चीज की डेफिशिएंसी है। प्रदीप ने आंसर बताया है, चलो प्रदीप अच्छी बात है आपने ट्राई करा है। राम्या, राम्या ने भी ट्राई करा है। आशीष कुमार, चलो नाइस ट्राई। सचिन, सुनील और बाकी कैंडिडेट कहाँ गए हैं, फटाफट से एक बार शेयर कर दो, जल्दी से सबको बताओ कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। लक्ष्मी प्रिया, ऑप्शन नंबर सी। ये सब लोग मुझे सी आंसर बता रहे हैं, यानी कि गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या, हाँ कॉपी पेस्ट कर रहे हो आंसर। कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो प्लीज सुधर जाओ, है ना। कॉपी पेस्ट करने से कभी नंबर नहीं बनते हैं। आपका जो आंसर यहां रहेगा, नीरज कुमार कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। चलो पहला आंसर एक अलग आया है जो नीरज ने बताया है, और बताइए आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, आपको काफी टाइम दे रही हूँ, सोचो समझो मुझे बताओ आंसर क्या होगा, फिर इसके बाद के क्वेश्चंस मैं आपको लगातार दिखाऊंगी, फिर समय आपको कम मिलेगा। चलिए बात कर लें। साक्षी गुप्ता, अरिंदम चक्रवर्ती, ओके तीन लोगों के अच्छे आंसर आए हैं, लेकिन आज बच्चे बहुत कम आंसर्स कर रहे हैं। कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, खाया पिया नहीं है क्या, लंच नहीं करा क्या लोगों ने, हाँ तभी एनर्जी डाउन हो रही है शाम की बिल्कुल ही। आपका आंसर सही है यहाँ पर एसिटिक क्लोरीन। ठीक, देखो ये एक तरह का ट्रांसमीटर होता है, ये एक तरह का क्या है, ट्रांसमीटर है, और हमारे मस्तिष्क की मेमोरी के लिए और चीजों को रिकॉल करने के लिए, ठीक है, मतलब याद रखने के लिए और याददाश्त के लिए ये वाला ट्रांसमीटर बहुत जरूरी है। तो जब किसी इंसान को अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है दोस्तों, ऐसे इंसान के मस्तिष्क में ये जो ट्रांसमीटर है ये ठीक से काम नहीं करता, ये ब्रेकडाउन की कंडीशन में पहुंच जाता है, या फिर आप इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हो, क्योंकि ये रिलेट करता है हमारे मस्तिष्क से। तो दो चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, मेमोरी के लिए यानी कि याददाश्त के लिए और चीज़ों को याद रखने के लिए, है ना भाई। अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, यही तो कारण है कि इंसान भूल रहा है, पहले कम चीज़ें भूलता है छोटी मोटी, है ना, फिर धीरे धीरे ज़्यादा चीज़ें भूलने लगता है, फिर ज़्यादा करेगा, ज़्यादा आपकी स्टेज पहुँचेगी तो वो इंसानों को भी भूल सकता है, तो फिर इस तरीके से करके वो बहुत सारी चीज़ें, एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ज़िंदगी का भूल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आशु गुड इवनिंग, लक्ष्मी प्रिया डन, ओके चलो अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चंस की तरफ, और जो आपके आगे के क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा आपको मैं लेकर चलूंगी। हाँ पहले आप ये वाले क्वेश्चंस करिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है बाइल इज स्टोर्ड, बाइल इज स्टोर्ड इन द, बाइल इज स्टोर्ड इन द, ये बताइए। बाइल यानी कि जिसे पित्त कहते हैं, ये पित्त में पित्त कहाँ संग्रहित होता है, बाइल कहाँ संग्रहित होता है, ठीक है, गाल ब्लैडर में, डियोडिनम में, लीवर में या स्प्लीन में। बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ट्राई करो, कोई हेल्प नहीं मिलेगी, सिर्फ ट्राई करो, फिर देखते हैं आंसर क्या होगा। ए बी सी और डी,
चलो देखो आंसर देख लो। पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करा दूँ बाइल जूस के बारे में। ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस आपका कहाँ बनता है? पहली बात तो ये जो बाइल जूस है, जिसे हिंदी में पित्त रस कहा जाता है दोस्तों, ये बनता तो है लीवर में। कहाँ इसका फॉर्मेशन होता है या इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? लीवर में। लीवर में बनता है, अच्छी बात है, लेकिन ये कहाँ पर जाकर आपका सेफ होगा, ठीक है, कहाँ जाकर स्टोर होगा? तो ये स्टोर होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए, गाल ब्लैडर में, जिसे हिंदी में हम पित्ताशय कहते हैं। तो ये छोटी सी थैली होती है लीवर के ही पास में, ठीक है, लीवर जैसे आपका इस तरह से रहता है लीवर, राइट। तो यहीं पर आपकी जो है, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा गाल ब्लैडर, तो आप यहां ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से करके आपका जो लीवर है, राइट, और लीवर के पास में ही आपके यहाँ पर पित्ताशय की थैली होती है, जिसके अंदर ये स्टोर हो जाता है। तो ये आसपास की चीजें मिलती हैं, क्लियर है। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो अल्जाइमर के बारे में पूछ रहे थे कि अल्जाइमर क्या फंगस से होती है। तो एक बात बहुत अच्छे से समझें आप सभी लोग, अल्जाइमर को होने के लिए कोई एक कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देर इज नॉट अ सिंगल रीजन जिसकी वजह से अल्जाइमर होगा। अल्जाइमर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है नीरज, अल्जाइमर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट ध्यान रखना फंजाई से अल्जाइमर होता है, ये बात सही है, उनमें से एक कारण फंजाई भी है, लेकिन इसके अलावा अल्जाइमर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोशिकाएं खराब हो जाएं, ब्लड वेसल्स में कोई दिक्कत हो, स्टॉकिंग की प्रॉब्लम हो, ठीक है, डिजेनरेटिव कोशिकाएं आपके खराब हो जाएं, तो बहुत सारे कारण हैं जिनमें से एक फंजाई भी कारण है अल्जाइमर के लिए, ठीक है, डन। चलो अगला देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, निम्न में से कौन सा ग्लैंड नहीं है, यानी कि ग्रंथि नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो, ग्रंथि नहीं है। पूछा गया है थायराइड, स्टमक जिसे हम लोग पेट या आमाशय कहते हैं, पिट्यूटरी जिसे हम लोग पीयूष कहते हैं, देन पेनक्रियाज जिसे हम लोग अग्नाशय का नाम देते हैं हिंदी में। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। नीरज क्या कह रहे हैं, लीवर के लिए, सॉरी, लीवर के जरिए बाइल जूस गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जिस ट्यूब से जाता है उसे सिस्टोलिक डक्ट कहते हैं, राइट, ओके। तो नीरज आप जो डाउट क्लियर कर रहे थे वो हो गया ना, फंजाई से हो सकता है अल्जाइमर, लेकिन सिर्फ एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नर्सिंग मधु आंसर कर रहे हैं स्टमक, मुकेश यादव दोबारा पढ़ो साइंस, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत है फिर से। ये जो कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि भारद्वाज जी भी थोड़ा सा गलत बता रहे हैं, ये जो बच्चे पेनक्रियाज बता रहे हैं, क्या आप लोगों ने ग्रंथियों में कभी पेनक्रियाज पढ़ा नहीं? ये ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, ये एंडो, बल्कि ये मिक्स्ड है, मैं कहूंगी ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। भैया थायराइड भी ग्लैंड होती है, ठीक है, थायराइड भी ग्लैंड है, और कैसी ग्लैंड है, एंडो है। पिट्यूटरी भी ग्लैंड है, और कैसी है, एंडो है। अब जो ग्लैंड नहीं है वो है हमारा स्टमक, आमाशय। हमारा पेट सिर्फ एक ऑर्गन है, एक पाउच है जो कि खाना स्टोर कर रहा है और उसको पचाने का काम कर रहा है। ये अपने अंदर से कोई भी हार्मोन नहीं सीक्रेट करता, ठीक है, ये अपने अंदर से कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगा, और ये सिर्फ ऑर्गन है। ये क्या चीज है, ये सिर्फ ऑर्गन है, एक अंग कहलाता है। तो आंसर आपका रहेगा इधर आंसर नंबर डी, डन, ठीक है। अब देखो आपको परेशानी ना हो इस वजह से मैं अलग से भी मेंशन कर दूंगी, और नीरज सही बात कह रहे हैं, जो पेनक्रियाज है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। तो एक बात आप क्लियर कर लो, अगर मैं लार्जेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट में एंडो, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन में लार्जेस्ट, और ओवरऑल लार्जेस्ट, ठीक है। एंडो में आपका पेनक्रियाज है, बिल्कुल सही बात है, एक्सो में कौन सा रहेगा, तो लीवर रहेगा, और ओवरऑल कौन सा रहेगा, उसमें भी लीवर रहेगा। तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन लार्जेस्ट कौन सी है, एक्सो या मिक्स्ड, और एंडो कैसी है आपकी, कौन सी वाली, पेनक्रियाज हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन क्या रहेगा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सेल्स इज मेड अप ऑफ, कोशिकाओं के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, जो प्लाज्मा झिल्ली बनी है, वो किस चीज की बनी है, फॉस्फोलिपिड की, लीपोप्रोटीन की,
फॉस्फोलिपोप्रोटीन की या फॉस्फो प्रोटीन की, कोशिका के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली बनी है, कोशिका है ना, अगर मैं किसी कोशिका के बारे में बात करती हूँ तो कोशिका के अंदर भाई बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जिन्हें कोशिका का अंग कहा जाता है, जैसे कि नाभिक हो गया है ना, नाभिक के अलावा आपके यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलते हैं, इधर गॉल्जी निकाय भी मिलते हैं, वैक्यूल्स जिन्हें हम रिक्तिकाय कहते हैं वो भी मिलता है, राइट, लाइसोसोम्स भी मिलते हैं, राइबोसोम्स भी मिलते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मिलकर एक कोशिका का होता है निर्माण। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है यहाँ पर, ये किस चीज की बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने काफी मोटी बना दी है, बताइए सभी लोग आंसर बताइए, देखो आंसर बताने से पीछे नहीं रहना है, ठीक है, और जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देना, जल्दी से एक बार शेयर कर दो, जितने बच्चों को मैं देख रही हूँ अभी स्क्रीन पर, जल्दी से एक बार शेयर कर दो, मजा नहीं आ रहा है, देखो आप अगर ऐसे ऐसे आंसर्स बताओगे मुझे उल्टे सीधे से इधर उधर के बता बता के तो मजा नहीं आएगा, है ना, कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट करोगे तो आप कुछ नहीं सीखोगे। ओके बाकी हमारे नीरज हैं जो हमें नई नई चीजें बता रहे हैं, है ना, आप लोगों को नीरज भी बताते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखना। अच्छा आंसर क्या रहेगा देख लें एक बार, आपका आंसर रहेगा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्यों, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों वसा के बारे में, किसके बारे में, वसा के बारे में, और ये जो शब्द है लिपिड इसका नाम, इसका मतलब होता है वसा, फैट, तो ये जो झिल्ली बनी है ये फैट की बनी है, ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, इस वजह से ये जो झिल्ली है ये फ्लेक्सिबल भी है और काफी स्ट्रांग भी है, काफी स्ट्रांग होती है, जल्दी से टूटती नहीं है और काफी फ्लेक्सिबल है, तो कोशिका का जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है जरूरत के हिसाब से, लेकिन थोड़ा बहुत ही, ठीक है, ज्यादा नहीं बदलेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, तो जीवित जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन या सिस्टम, पूछा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी से बता सकते हो, सभी की तरफ से मुझे आंसर्स आने चाहिए, है ना, गिरधारी राम, सुनील, ज्योति पांडे, रोहित अग्रवाल, मृत्युंजय कुमार, श्यामू, सुनील, मुकेश, लक्ष्मी प्रिया, साक्षी गुप्ता, दोस्तों सभी की तरफ से आंसर्स आने चाहिए। राम्या, राजेश, देवप्रिया, नरसिंह महतो, अभिषेक राय, साक्षी गुप्ता, नीरज, अच्छा चंद्र प्रकाश, क्या बात है, अब लगातार आंसर्स आ रहे हैं, हिमांशु भारद्वाज, वेरी गुड, बिल्कुल आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहां पर बात की गई है सेल, कोशिका के बारे में, भाई कोशिका से ही तो मिलकर हमारा पूरा शरीर बना है, जितने भी जीव हैं या जितने भी पादप हैं, अगर कोई चीज लिविंग कहलाती है, ठीक है, अगर कोई चीज लिविंग कहलाती है तो लिविंग है वो कोशिका की वजह से। अब ये जो कोशिका है ये दो तरह की हो सकती है, या तो ये रहेंगी प्रोकैरियोटिक, ठीक है, या रहेंगी यूकैरियोटिक, ध्यान समझो इसको, और यूकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विकसित होती हैं, कैसी होती हैं, विकसित होती हैं, जिसके अंदर नाभिक बहुत अच्छे से पाया जाता है, और ये जो यूकैरियोटिक हैं इन्हीं में आपके दो सब कैटेगरी बनती हैं, एक बनती है बच्चा प्लांट सेल की जिसे हम लोग पादप कोशिका कहते हैं, और दूसरी बनती है एनिमल सेल की जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंतु कोशिका के नाम से जानते हैं। तो हर चीज का आधार है कोशिका, कोशिका नहीं होती तो हम नहीं होते, मानव नहीं बन पाता, पेड़ पौधे नहीं बन पाते, कोशिका नहीं होती तो हम जीवित नहीं कहलाते, है ना, तो कोशिका जब बहुत सारी कोशिका मिल जाती हैं तो कोशिका से बनता है टिश्यू जिसे हिंदी में कहते हैं ऊतक, जब टिश्यू मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गन जिसे हिंदी में हम लोग अंग कहते हैं, और जब अंग मिलके बनता है, बहुत सारे अंग मिलते हैं, तो बन जाता है हमारा पूरा का पूरा बॉडी या फिर सिस्टम, ठीक है, तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, बात क्लियर हो गई, मैंने आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर करा दी हैं, ठीक है ना। हाँ नीरज, सेल के अंदर जो फ्लूड होता है वो साइटोप्लाज्म मिलता है, साइटोप्लाज्म हम कोशिका के अंदर वाले फ्लूड को बोलेंगे, वैसे जो पूरा मिलता है वो प्रोटोप्लाज्म मिलता है, ठीक है, दो तरह का प्लाज्मा मिलता है इसमें, पहला मिलता है प्रोटोप्लाज्म, दूसरा मिलता है मतलब साइटोप्लाज्म, और दूसरा आपका मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है,
चलिए प्रोकैरियोटिक जी मनो मानिक चंद, प्रोकैरियोटिक आपकी ऐसी कोशिकाएं होंगी दोस्त जो आपकी विकसित नहीं होगी, जिसके अंदर का नाभिक पूरी तरीके से डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। द कलर ऑफ यूरिन इज ऑफ लाइट येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो यूरिन का कलर जो है वो हल्का पीला होता है, क्यों होता है, किसकी उपस्थिति की वजह से यूरिन का रंग जो है वो हल्का पीला होता है, बताइए। यूरोबिलिन की वजह से, क्रिएटिन की वजह से, एलिल्स की वजह से, या फिर अमोनिया की वजह से। और इसके साथ मैं आपसे और भी क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप पहले ट्राई करिए। यस नीरज सही बात है, अभिषेक राय का पहला आंसर आ रहा है। बाकी आंसर्स कहाँ हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे देरी से आ रहे हैं, या आप कमेंट्स ही देर से कर रहे हो? अमोनिया, ये कौन कह रहा है अमोनिया? ये बताओ अमोनिया की वजह से क्या कभी किसी भी चीज का रंग बदलता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप अमोनिया लगाते हो पेपर में जाके अमोनिया, तो आप गलत कर दोगे, ये आपको नंबर नहीं दिलाएगा। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर बी पर, कुछ लोग कह रहे हैं केराटिन, भाई केराटिन भी आपको नंबर नहीं दिलाएगा। और बताओ आंसर्स, और नहीं बस अरिंदम, नरसिंह महतो बढ़िया आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। देवप्रिया बहुत अच्छा आंसर है, राजेश कुमार वेरी गुड, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए यूरोबिलिन। ठीक है, ये जो यूरोबिलिन है ये आपका आंसर है बिल्कुल सही, और ये हल्का येलो कलर देने के लिए जिम्मेदार है यूरिन को, पहली बात तो ये ध्यान रखें। ठीक है, सो येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू ठीक है, तो येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू व्हाट, तो आपका आंसर है यूरोबिलिन। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो, कुछ लोगों ने मेरे ख्याल से सिर्फ यूरोक्रोम पढ़ा है, क्या पढ़ा है यूरोक्रोम, तो इस वजह से आप गलत कर रहे हो। यूरोक्रोम कह सकते हो और आप इसे यूरोबिलिन भी कह सकते हो, दोनों नाम बिल्कुल सही है भाई। जैसे आपका एक घर का नाम होता है, एक आपका ऑफिशियल नाम होता है, ऐसे इसका भी है यूरोक्रोम या यूरोबिलिन। तो ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो यूरिन को येलो कलर देने के लिए जिम्मेदार है, पहली बात तो आप ये याद रखें। अब जब येलो कलर दे रहा है, येलो पिगमेंट दे रहा है, साथ ही साथ इसका आप एक चीज और याद रखना, इसका पीएच, ठीक है, यूरिन का पीएच, यूरिन का पीएच आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है। वैसे तो यूरिन जो है ना ये एसिडिक होता है, कैसा होता है माध्यम में, नॉर्मल अगर आप स्वस्थ हैं तो एसिडिक इसका होगा नेचर, और इसका जो पीएच है भाई, पीएच वैल्यू इसका रहेगा 4.8 से लेके 8.1 तक। ठीक है, तो ज्यादातर एसिडिक होता है, लेकिन अगर कोई परेशानी हो गई है, किसी इंसान को कोई बीमारी हो गई है, लीवर से संबंधित या स्टमक से संबंधित या किडनी से संबंधित, तो ऐसे में उस व्यक्ति का जो पीएच है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, और वैसे भी पर्सन टू पर्सन जो पीएच है वो बदलेगा ही, चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये आपको रेंज बता दी है, ये रेंज आप ध्यान रखना, ये बहुत हेल्प करेगी आपको एग्जाम में। ठीक है, और भी ऐसी कोई बात है जो आपको पता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन रिलेटेड टू द टॉपिक। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा पता है तो बताते रहा करो, आपको फायदा होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और आपके जो भाई बंधु हैं उन्हें भी कुछ नई बात पता चल जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी आप करते रहा करो, राइट। भाई जो आंसर गलत है उसे कैसे बोल सकते हैं, जो गलत है वो तो गलत है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन देखो, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स विच क्रीप एंड क्रॉल आर कॉल्ड, तो ऐसे कशेरुकी जानवर, ऐसे कशेरुकी जीव, ध्यान रखो ऐसे वर्टिब्रेट एनिमल्स मतलब कशेरुकी जीव जो रेंगते हैं, ठीक है, जिनका क्रीपिंग नेचर है, रेंगते हैं और साथ ही साथ क्रॉल करते हैं, क्या कहा जाता है?
ममेलियंस, एम्फीबियंस या मोलस्कस या रेप्टाइल्स, रेप्टिलियंस, बताइए ए बी सी और डी। मनीष पंडित नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ट्राई करिए। साक्षी यादव, मिश्री लाल, साक्षी यादव, अनित, अमित, ज्योति पांडे, ट्राई करिए ए बी सी और डी। पांडे जी आप मुझे बता रहे हैं, आप मुझे एवरेज वैल्यू बता रहे हैं, 6.8 सही है लेकिन एवरेज है ना। साक्षी गुप्ता, साक्षी गुप्ता का पहला आंसर है, वेरी गुड, लेकिन सही है या गलत है देखेंगे। लक्ष्मी प्रिया, नीरज कुमार, राम्या, अरिंदम, सुनील, और मैं आपको फिर बता रही हूँ, जिन भी ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, जिन्हें थ्योरी को लेकर दिक्कत है, जिन्हें पता ही नहीं है कि पिछली कहानियां क्या हैं, है ना, जिन्हें ये नहीं पता पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, सीधा क्वेश्चन पर उतर आते हो आप लोग, तो भाई प्लीज आकर क्लास अटेंड करो। मैं आपको डेली बताती हूँ और प्लीज बोलती हूँ, मेरा क्या फायदा बताओ इसमें। आप अनअकैडमी पर क्लासेस अटेंड करो, अनअकैडमी पर क्लासेस, ठीक है। कैसे कैसे अटेंड कर सकते हो, ऐप इंस्टॉल कर लेना, मेरा प्रोफाइल सर्च करना नेहा मैम के नाम से, और फिर जब मेरा प्रोफाइल आपको शो होगा, फोटो भी लगी हुई है वहां पर, आप पहचान सकते हो, आप फॉलो करना। फॉलो जैसे ही करोगे तो फॉलो करने पर आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, तो जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस हैं आप पहले उन्हें अटेंड करके तो देखें, अगर अच्छा लगता है तो आप प्लस क्लास के लिए भी जा सकते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि मुझे अरिंदम ने बताया, साक्षी ने बताया, सुनील बता रहे हैं, चंदन, चंद्रकांता, नीरज, बात सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रेप्टिलियंस, ठीक है, ये है जो रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं। ममेलियंस ऐसे जीव हैं जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, मतलब जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, ये बेबीज को ले करते हैं और इनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एम्फीबियंस ऐसे जीव होते हैं जो उभयचर कहलाते हैं हिंदी में, मतलब इनको रहने के लिए पानी भी चाहिए और पानी के साथ साथ इन्हें रहने के लिए जमीन भी चाहिए, ठीक है। मोलस्कस ऐसे एनिमल हैं जिनकी ऊपर की त्वचा काफी सॉफ्ट होती है, जैसे कि जैसे स्नेल है ना, तो मोलस्कस में ऐसे ऐसे एनिमल आते हैं जिनकी स्किन काफी सॉफ्ट है, जैसे स्नेल, जैसे ऑक्टोपस, जैसे आपका यहाँ पर सी एनिमल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी को मार्क कर ले। मुकेश यादव ठीक कर लेना, वीरेंद्र कुशवाहा, आंसर्स आपको समझ में आ गए ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं क्या पूछता है आपसे। रितेश तुबे क्लियर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन आया है ह्यूमन हार्ट के ऊपर, ये चीज़ मैंने आज ही समझाई थी आपको अनअकैडमी फ्री लाइव क्लासेस में, सो जिन भी लोगों ने क्लास अटेंड करी होगी वो मुझे बड़े आराम से बता सकते हैं आंसर और रीज़न के साथ में। क्वेश्चन पूछा गया है, मानव हृदय झिल्ली में क्या संलग्न है, जो ह्यूमन हार्ट है ये आपका बंद है एक मेम्ब्रेन में, ठीक है, हमारा छोटा सा ह्यूमन हार्ट एक मेम्ब्रेन में बंद है, ये मेम्ब्रेन क्या है, पेरिकार्डियम, प्लुवेरा, ड्यूरा मैटर या कंजक्टिव। तो ये जो मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन के अंदर, जिस झिल्ली के अंदर हमारा छोटा सा हृदय स्थित है, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, आंसर बताइए, फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी अच्छी अच्छी सी। मिश्री लाल क्या कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, तीन मत याद रखना डियर, चार चैम्बर होते हैं, गलत वरना कराओगे। आकाश कुमार सोनकर, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, आप लोगों के आंसर्स देख के मुझे ये पता चल जाता है कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम है अभी तक चैप्टर में, लेकिन फायदा वही है ना, मैं कितना ही कह लूँ आप लोगों ने चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। अब जब नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा कि आंसर क्या होगा सही, आप खुद सोचो। आप नर्सरी के बच्चे नहीं हो, आप इतने छोटे नहीं हो कि कोई आपको डांटेगा या फिर आपके कोई हमेशा डंडा लेके सर पे खड़ा रहेगा तब आप पढ़ाई करोगे, ऐसा भी तो नहीं है। सब समझदार हैं, सब मेच्योर बच्चे हैं, सबको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। अब बच्चा स्टेबिलिटी के हवा में मिल जाती है, आप खुद सोचो, ऐसा नहीं मिलती है स्टेबिलिटी, जब तक कोशिश नहीं करोगे, कुछ काम नहीं करोगे, जो चीज़ नहीं आती है उसको सीखोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। बाकी आप समझदार हो, आपको पता ही है। नीरज कह रहे हैं कि
क्वेश्चन में ही आंसर है। अब ये तो समझदार व्यक्ति को पता होगा ना, जिसने पढ़ रखा उसे पता होगा, अब जिसने नहीं पढ़ रखा है तो नीरज उसे कैसे पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर जिन लोगों ने आंसर्स बताया है, सही बताया है ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम, बिल्कुल सही आंसर है। पेरिकार्डियम झिल्ली है जो हमारे हृदय को सुरक्षित रखती है। अब एक बात सुनो दोस्तों, हमारा जो हार्ट है वो अपने आप में बड़ा ही यूनिक ऑर्गन है, बहुत ही एक अद्भुत अंग है जो बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे हृदय का काम क्या है तो सिर्फ पंपिंग का, ये सिर्फ पंप करता है, ठीक है। ये कोई धड़कता है तो ऐसा नहीं कि ये किसी और के लिए धड़क रहा है, भाई ये आपके लिए धड़क रहा है, ये आप ही के लिए लबडब साउंड करता रहता है। तो ये काम क्या कर रहा है, सिर्फ पंप करने का। उसके बाद में ये जो हृदय है ये सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर पार्ट है एक, ठीक है। मस्कुलर है मतलब सिर्फ मांसपेशी से बना है। कभी भी गलती से ये मत सोचना कि हमारे हृदय में कोई हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, ऐसा नहीं है। हमारे हृदय में कोई बोन नहीं मिलती, सिर्फ मांसपेशियां हैं। मांसपेशियों का पूरा एक टुकड़ा है, पूरा मांसपेशी से ही बना है, जिसके अंदर चार होते हैं चैम्बर और चार होते हैं वॉल्व, ठीक है। चार होते हैं चैम्बर, चार होते हैं वॉल्व। और दूसरी चीज, एक बात और याद रखना, हमारे हृदय का वजन कितना होता है, तो एक बात याद रखो, अल्लाह ने चीज दिया हमें 300 ग्राम की, याद है या फिर भूल गए हो। मैंने आपको बताया था, ना मेरे काम की ना तेरे काम की, अल्लाह ने चीज दी है 300 ग्राम की। तो हमेशा याद रहेगा कि 300 ग्राम है हमारे हार्ट का वेट, और ये ऑन एन एवरेज वेट है। अगर आप बात करते हैं पुरुषों की तो 50 ग्राम ज्यादा कर दो, मतलब 350, और अगर आप बात करते हो महिलाओं की तो 50 ग्राम कम कर दो, मतलब 250 ग्राम। सही बात हो गई। तो सभी आंसर्स यहां पर आप लोगों ने टैकल कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, देवराय अरिंदम, ठीक है। सभी बच्चे मुझे यहां पर आंसर्स बताएंगे। और एक बात बताओ कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, देखो अगर शेयर नहीं करोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा सेशन में। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि सिर्फ आप पढ़ोगे और आप पढ़ के कोई झंडे गाड़ लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है ना। अगर आप जब तक कोशिश नहीं करोगे, सहायता नहीं करोगे दूसरे लोगों की भी, दूसरे बच्चों की भी, तो आपकी सहायता कैसे होगी। तो सिंपल सा फंडा है, शेयर कर दो एक बार भाई, जल्दी से एक बार शेयर कर दो आप, क्या फिर आगे के क्वेश्चन तभी कराऊंगी मैं। मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग शेयर कर रहे हो। नीरज, अगर कोई भी टॉपिक को लेकर परेशानी होती है तो प्लीज आप अनअकैडमी क्लासेस में आ जाया करो, वहां पर डिस्कस कर लिया करो, ठीक है ना। क्योंकि यहां ज्यादा क्वेश्चंस की वजह से टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है ना, तो वहां भी डिस्कस कर सकते हो। ऑल राइट, चलो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं, और पूरी उम्मीद है कि आप शेयर कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, एक ऐसा यंत्र जिसका यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को नापने में, क्या कहलाता है। एक ऐसा यंत्र जिसका यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को नापने में, मतलब हमारे रक्त का चाप, रक्त दाब, कुछ भी कह सकते हो। डिवाइसेस के नाम लिखे हैं बैरोमीटर, स्पायरोमीटर, स्पाइग्नोमैनोमीटर और हेमिकोसाइटोमीटर। बताइए क्या आपका आंसर सही रहेगा। ए बी सी और डी। अच्छा नीरज कह रहा है सब लोग छुट्टी पर हैं। भैया छुट्टी पर जाओगे तो फिर कौन आपके साथ में रहेगा, ये बताओ जरा, है ना। छुट्टी पर हैं ये तो कोई भाई ऐसी नहीं है कि नौकरी है, ये तो आप खुद के लिए कर रहे हैं ना भाई, फ्री में आपको क्लास मिल रही है पढ़ने को, ये बताओ इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, है ना। सब बच्चों को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि आपको फ्री में वो चीज पढ़ने को मिल रही है जो आप कहीं कोचिंग में जाकर पैसे देकर पढ़ते, है ना, और बाहर जाते धक्के खाते और उसके बाद भी आपको सब कुछ पढ़ने को नहीं मिलता। सिंपल सा फंडा है, कितना फर्क पड़ जाता है ऑनलाइन पढ़ने का। आंसर आपका बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, सी में बात करी गई है स्पाइग्नोमैनोमीटर के बारे में। क्लियर हो गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो आपको भी फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं भी आपको क्वेश्चन लेकर आऊंगी, आंसर दिखा दूंगी, समझा दूंगी, आगे बढ़ जाऊंगी, है ना। अगर आपको नहीं लगता है कि थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए तो फिर मैं भी क्यों मेहनत करूं आपके साथ में, सिर्फ मैं ही मेहनत करूंगी तो क्या फायदा है उस चीज का।
नौकरी क्या मुझे चाहिए? नौकरी तो आपको चाहिए, है ना? आंसर देखो यहाँ पर, हम तुरंत बात करेंगे, मैं आपको फटाफट से फिर क्वेश्चन ही खत्म करा दूंगी। क्वेश्चन है, द विटामिन मोस्ट रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट, एक ऐसा विटामिन जो गर्मी से बहुत आसानी से नष्ट हो जाने वाला विटामिन है, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल या थायामाइन, ए बी सी और डी। राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल या थायामाइन, एक ऐसा विटामिन जो हीट से बहुत जल्दी खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी वजह से कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ज्यादा नहीं पकानी चाहिए, मतलब आपको कुछ खाने की चीजों का ओवरहीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पकाने पर वो चीजें नष्ट हो जाती हैं। एक बात जरा समझो, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं क्या आप उन्हें पकाते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी में बहुत करी गई है एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में। भाई एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, तो जितने भी विटामिन सी वाली चीजें हैं ये कभी भी पकानी नहीं चाहिए, वरना ये आपका इस चीज को खो देंगी। तो विटामिन सी है जो आपकी हीट से बहुत जल्दी खराब हो जाता है, याद रहेगा आपको अच्छे से, ठीक है? एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नाम भी। चलिए अगला, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रिकेट्स इज द डिफिशियंसी डिसीज ऑफ विटामिन डी इन विच द अफेक्टेड पार्ट इज, बोला गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है वैसे तो, मतलब गलत तरीके से लिखा है। देखो रिकेट्स एक बीमारी है, है ना भाई? रिकेट्स एक बीमारी है जो कि किस चीज की कमी की वजह से हो रही है? विटामिन डी की कमी की वजह से हो रही है। कौन से पार्ट को प्रभावित करती है? हमारे शरीर में अगर रिकेट्स बीमारी हो जाती है तो ये हो रही है विटामिन डी की कमी की वजह से। कौन से अंग को प्रभावित करती है? हमारे स्किन को, हमारे बालों को, हमारी अस्थियों को या फिर हमारे रक्त को? बताइए, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ज्योति पांडे, ये बात तो सही है कि सब लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं? बात तो उनकी है भाई, कर्म करने वाला इंसान तो कर्म करता ही है। एज अ टीचर सबकी ड्यूटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सभी एजुकेटर अपनी तरफ से पूरा पूरा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो आके पढ़ते हैं और आउटपुट लाते हैं? बात तो वहां है ना सारी। अगर सिर्फ 2 या 4 बच्चे पढ़ते हैं और बाकी 50 नहीं पढ़ते हैं तो कोई फायदा है 50 का? खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा, है ना? तभी तो ऐसा होता है कि कुछ कम बच्चे पेपर देते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ही तो पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे तो बस पता नहीं क्या करने आते हैं, कॉपी पेस्ट करने या क्या करने आ रहे हैं। अशोक कुमार, सुनील, आशीष, गौतम, अरिंदम, आपका आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हस्थियाँ, बोन, ठीक है? क्योंकि हड्डियाँ खराब हो जाती है रिकेट्स में, और रिकेट्स ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जो पैर हैं तो हमारे पैरों के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है, टांगे जो सीधी होती हैं हमारी, जो लेग्स है वो सीधी रहती हैं, लेकिन रिकेट्स की बीमारी की वजह से ये हमारी लेग्स ऐसे तिरछी हो जाती हैं, गैप बढ़ जाता है इस तरीके से करके। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको रिकेट्स की बीमारी हो गई है दोस्तों, ऐसे लोगों की ना तो हाइट बढ़ पाती है और ना ही उनकी बॉडी ठीक से ग्रो कर पाती है, तो ये बीमारी है रिकेट्स, ठीक है? इसे हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? सूखा रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल पजेसेस डिश हैंस दे आर टर्न्ड बाय अ फास्ट विंड, जो ब्लेड्स होते हैं पवन चक्की के उनके अंदर क्या होता है, ठीक है? ये क्या पजेस करके रखती हैं, संग्रहित क्या करती हैं विंडमिल यानी कि पवन चक्की के ब्लेड्स, जिसकी वजह से जो विंड है ना वो बहुत तेजी से उन ब्लेड्स को घुमा रही है। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है या क्या है? अच्छा, यहाँ पर 2 चीजें रिपीट हो रही हैं, इसको कर लें आप प्रेशर एनर्जी। ये गलत लिखा है ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लिखें प्रेशर एनर्जी। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है दाब ऊर्जा। आंसर बताइए, आंसर बताइए, बिल्कुल वेट मत करो किसी चीज का।
अगर क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाता है तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हुए आंसर बता दिया करो मुझे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, बस अच्छे कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट करो, पॉजिटिविटी फैलाओ। अशोक पारिया, ज्योति पांडे, भाई देखो जिसको समझ में आ गई बात बहुत अच्छी है, और जिसे नहीं समझ में आई है उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना ही कोई कुछ कर पाएगा उनका, वो तो भगवान भरोसे। फिर अरिंदम, सचिन, देवप्रिया, मानिकचंद, गौतम, हिमांशु भारद्वाज, राम्या, अशोक कुमार, गौतम, साक्षी गुप्ता। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा क्यों है? तो ये है उसकी स्थिति की वजह से, क्योंकि जो ब्लेड्स है ना दोस्तों पवन चक्की के, वो लगातार आपके चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, उनकी पोजीशन बदल रही है, स्थिति बदल रही है। और जब कभी भी स्थिति बदलती है तो उसके लिए वजह से आता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप यहाँ पर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब एक बात मैं आपको समझा दूं, काइनेटिक एनर्जी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी काम नहीं करती, लेकिन ऑल तो सही नहीं हो सकते ना। मनीष पंडित, ठीक है, द राइट वन इज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वही चीज है जो आपकी बदल रही है काइनेटिक एनर्जी में। आप ये सोचो जब पवन चल रही है और इधर आपके ब्लेड्स लगे हुए हैं, हवा की आने की वजह से पहले ब्लेड्स अपनी स्थिति बदलते हैं ना, और उसके बदलने की वजह से फिर उसमें मोशन आ रहा है, तो मोशन बाद में आ रहा है, पहले उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इस वजह से पहले आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, काइनेटिक के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है ज्योति, जो मैंने आपको चीज समझाई है समझ में आ गई, राइट। रत्नेश बेटा, पहले पेपर तो दे लो, पेपर दोगे तभी तो रिजल्ट आएगा, अभी तो पेपर नहीं हो रहा है, आप रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हो। हाँ नीरज, ज्यादा सुटेबल क्यों है, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है भाई, जब आपकी हवा आ रही है तो पहले उसके जो ब्लेड्स है पहले अपना जगह बदल रहे हैं ना, जगह बदलने पर उसमें गति आ रही है। आप खुद सोचो अगर वो जगह ना बदले तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो उसके पंखुड़ियों को, उसके ब्लेड्स को चला पाए, उनको गति दे पाए, राइट। चलो अगला देखो क्वेश्चन, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि डार्क स्किन्ड है, ठीक है, मतलब गहरा रंग है उसका, ठीक, तो ये एक्सपीरियंस करता है डैश एज कंपेयर टू अ फेयर स्किन मैन। मतलब दो पुरुष हैं, दो आपके पास मैन है, एक मैन जो है उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है और एक मैन ऐसा है जिसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो कैसा है, फेयर है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा स्किन को लेकर क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरा नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जो डार्क रंग वाला है, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला है, ये ज्यादा ऊष्मा और कम ठंडी महसूस करता है एज कम्पेयर टू फेयर वन, या फिर कम ऊष्मा और ज्यादा ठंडी, ठीक है, ज्यादा ऊष्मा ज्यादा ठंड या कम ऊष्मा कम ठंड, क्या लगता है उसको? चलो ये समझ में आ गया था, बहुत अच्छी बात है। मनीष पंडित, बीमारी कैसे होती है रिकेट्स की, उस क्लास अटेंड करो उसके लिए अकेडमी पर। अनिल कुमार मेघवाल, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। हिमांगु विश्वास, माई प्लेजर, क्लियर हो रहा है? अच्छा शालू, देखो अभी वही चीज है ना, जो चीज आपके हाथ में है पहले उस पर काम करो। तो बेटा मैं सबको बोलूंगी, टू ईच एंड एवरी वन, कोशिश क्या करो कि सब लोग ना प्रेजेंट में रहो, ठीक है, प्रेजेंट की बातें करो। कल क्या होगा नहीं पता किसी को, और जो हो चुका उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो प्रेजेंट में जियो, बस ये मेरा थोड़ा फंडा था कहने का। अरिंदम कहते हैं कि ज्यादा उष्मा और कम ठंडी बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ही प्रैक्टिकल, क्योंकि ऐसा इंसान जो होगा ना उसे गर्मी भी कम लगेगी और उसे ठंडी भी कम लगेगी, तो आप आंसर मार्क करेंगे डी, ठीक है डी। नहीं भाई, मोर हीट नहीं, लेस हीट और लेस कोल्ड, दोनों ही चीजें उसे कम लगेंगी, ठीक है। अगला देख लो क्वेश्चन, वॉट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक और कंप्लीट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऐसा कौन सा उपकरण है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और बंद करने के लिए, की, फिलामेंट, वायर या स्विच, की, फिलामेंट, वायर या स्विच, ए बी सी और डी।
नहीं बेटा नीरज, आप प्लीज इंसान के कलर को वहां ना लेकर जाओ नॉर्मल कलर के साथ में। ब्लैक बॉडीज अलग होती हैं जो आपके एब्जॉर्ब करती हैं रेडिएशंस को, लेकिन यहाँ जो इंसान का डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो मेलानिन की वजह से है, ठीक है? तो यहाँ पर वो फंडा काम नहीं कर रहा है, तो ये गलत है, ये मत सोच लेना। बल्कि मेलानिन तो ऐसा ऑब्स्टेकल है जो अंदर हीट को आने ही नहीं देगा, है ना, बाहर ट्रैप कर लेगा, तो कम गर्मी लगती है। आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, स्विच। ठीक है, स्विच वो चीज है जो पूरे सर्किट को कवर करता है, कंप्लीट करता है, बंद करता है। ठीक है, इसके वजह से ही आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट कहलाता है। अदरवाइज आप की लगा ले, फिलामेंट लगा ले, वायर लगा ले, कभी भी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। और ऐसे कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो मुझे दो दो आंसर बता रहे हैं, दो नहीं होगा, एक ही होगा आंसर। ये देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। What is the temperature at which both the Fahrenheit and the centigrade scales have the same value? ऐसा कौन सा तापमान है जिसके ऊपर फारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों के दोनों समान वैल्यू दिखाते हैं? ये तराजू इग्नोर कर देना, ये गलत लिखा है। फारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल दोनों समान वैल्यू दिखाते हैं, 4 डिग्री पर, 400 डिग्री पर, -40 डिग्री पर या +40 डिग्री पर, बताइएगा आंसर। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। एंड दोस्तों ये जो यूट्यूब क्लास है, ठीक है, जिसको नहीं पता है, लेट मी टेल यू, ये क्लास आपको रोज मिलती है 5 बजे, 5 से 6 में आपको यहीं पर मिलती हूँ। लेकिन सैटरडे, आने वाले सैटरडे को, यानी कि 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को आपको मिलूंगी मैं मेन चैनल पे। कहाँ पर? मेन चैनल पे, सेम टाइम पर, शाम को 5 बजे, मेन चैनल पर शाम को 5 बजे। ठीक है, बिल्कुल मत भूलना क्लास अटेंड करने के लिए, क्योंकि वहां के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो बहुत यूनिक और बहुत अलग मिलेंगे, फुल ऑन एक्सप्लेनेशन के साथ में। राइट, बाकी आपको पता ही है अकेडमी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इन्हें अटेंड कर सकते हैं। वेल, आंसर आपका यहाँ रहेगा -40 डिग्री, बिकॉज दिस इज द वैल्यू जहां पर -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फारेनहाइट के। और अगर आप मेरी बात पर बिलीव नहीं करते हैं तो आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, C/5 मतलब डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में फारेनहाइट, आप इस तरीके से करके सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके देख लेना, वैल्यू बराबर आएगी। क्लियर हो गया? ओके, चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। ये आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाई कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द, त्वरण हमेशा किस चीज की दिशा में काम करता है? त्वरण, ठीक है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा त्वरण है क्या चीज, और फिर ये जो त्वरण है ये किसकी दिशा में काम करता है, नेट फोर्स की दिशा में, मतलब कुल बल कहाँ काम कर रहा है, कुल कार्य किधर काम कर रहा है, एनर्जी फ्लो कहाँ हो रही है, या फिर हवा का जो प्रतिरोध है वो कहाँ काम कर रहा है, तो किस तरफ आपका लगेगा एक्सीलरेशन? मनीष पंडित बच्चा, आप अगर DRDO के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पर सामान्य विज्ञान पूछा जाता है तो आराम से पढ़ाई करो, ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल सकते हैं। अनिल कुमार, मैच में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज गो टू दी अदर मैथ चैनल, है ना, वहां जाकर देखो। नीरज का कह रहा है नेट फोर्स, अच्छा आंसर क्या होगा? जिन लोगों ने बोला है एयर असिस्टेंस, बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। एनर्जी फ्लो भी गलत है, क्योंकि एनर्जी का कोई ऐसा डायरेक्शन तो नहीं होगा, वो तो सब जगह फ्लो करेगी। वर्क डन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ही निर्भर करेगी। ये आपका है नेट फोर्स, ये भी तो वेक्टर है, तो जिधर कुल बल लग रहा होगा उधर ही आपका त्वरण काम करेगा। क्लियर हो गया है आंसर? मिस्टर शरीफ, सुनील, आशीष, साक्षी, दिव्या, निरंजन, अमित, हिमांशु, विशाल, ज्योति पांडे, गौतम, मुकेश, साक्षी, नीरज, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर।
द प्रिंसिपल यूज इन वर्किंग ऑफ एन एटम बॉम्ब इज, एटम बॉम्ब की वर्किंग के ऊपर, एटम बॉम्ब की जो वर्किंग है ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, एटम बॉम्ब परमाणु बम ठीक है किसके सिद्धांत पर काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर कोलिजन, परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, परमाणु विस्फोट या परमाणु टकराव। कौन काम कर रहा है? परमाणु बम, एटम बम। आंसर्स बताइए ए बी सी और डी। चलो बताइए आंसर्स, तब तक मैं आपको कुछ नई चीज बताती हूं। किसका नाम लिखा मैंने स्क्रीन पर? किसका नाम लिखा मैंने स्क्रीन पर? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और ये है कौन? अनिल मेघवाल, साक्षी, अमित, मुकेश। देखो आंसर आपका रहेगा, जिन लोगों ने बोला है फ्यूजन, बिल्कुल गलत बोला है, फ्यूजन नहीं है, गलत आंसर है। ठीक है, आपका काम करेगा ऑप्शन नंबर बी, फिजन, फिजन ठीक है, यानी कि विखंडन। क्लियर है? तो बी इज द राइट आंसर। अब एक बात और समझो, एटम बॉम्ब जो है, एटम बॉम्ब की डिस्कवरी के लिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर को याद किया जाता है। कौन है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 1945 की बात है जब इन्होंने एटम बॉम्ब की डिस्कवरी करी थी और पहली बारी उसको यूज करके देखा था। तो जब पहली बारी यूज करा, लगभग 40,000 फिट ऊपर क्लाउड्स बन गए थे, मतलब उसके धुएं की वजह से। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर? 40,000 फिट की ऊंचाई पर आपके यहां पर क्लाउड्स बन गए थे। ठीक है, डन। तो आप याद रखेंगे यहां पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। क्लियर हो गया? 1945 की बात है। इसी के साथ साथ अगर आपसे एटम बॉम्ब के साथ साथ अगर आपको हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में पूछा जाता है तो प्लीज इसके लिए भी पढ़ लेना, हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, क्लियर है? चलो आज के जो क्वेश्चंस हैं आज इतने ही रखते हैं। आप लोग ज्यादा मुझे बताते हो नहीं होमवर्क के बारे में, तो मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगी। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर मैं कब तक मेहनत करूंगी आप लोगों के साथ में। अब मैं आपको बता देती हूँ क्लास का शेड्यूल, मन हो तो आ जाना क्लास अटेंड करने, नहीं तो मैं आपको रोज ही बताती हूँ, वो तो मेरा काम है। देखो अन अकेडमी पर क्लास अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। और पहली क्लास आपको मिलेगी 11 बजे। कितने बजे? सुबह 11 बजे पहली क्लास। ठीक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। इसे अटेंड करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि आप अभी कितना कहाँ पर हो, कहाँ लाई कर रहे हो। ठीक, स्टेट पेपर वाले बच्चों के लिए है ये, वो अटेंड कर सकते हैं अगर आप लेखपाल, पटवारी या किसी सेंट्रल पेपर की तैयारी कर रहे हो तो। इसी के साथ 12:30 की क्लास है, ये क्लास रखी गई है रेलवे के बच्चों के लिए और ये भी बिल्कुल फ्री है। इसे भी अटेंड करके आप देखना और टॉपिक्स क्लियर करना। और बहुत अच्छे जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ब्लड पढ़ाया था, ब्लड ग्रुप्स हम लोगों ने पढ़े थे, फिर आज हम लोगों ने इसमें हार्ट पढ़ा है, कल मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ पढ़ाऊंगी, आने वाले दिनों में मैं आपको इसमें ब्रेन भी पढ़ाऊंगी कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, किस किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम सब बात करेंगे। ठीक है, एंड 2:30 का क्लास है, ये बिल्कुल प्लस सेशन है, तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। कोड मैं आपको बता देती हूँ, आप कोड यूज कर सकते हैं YT नेहा। क्या कोड है? YT नेहा। और जिन्हें ये नहीं पता है कि अनअकैडमी पर क्लास कैसे अटेंड करनी है, मेरे भाई लोगों कृपया करके अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल कर लो। ऐप इंस्टॉल करनी तो आती है ना, है ना? कहाँ से करोगे? गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, अनअकैडमी डालो, वहां पर सर्च करो, सर्च करोगे तो आपको मिलेगी उसकी ऐप, उसे इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद में जाओ एजुकेटर प्रोफाइल पे, मेरा नाम सर्च करो, नेहा मैम, और उसके बाद में मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ठीक है, प्रोफाइल मिलेगा तो उसे फॉलो कर लेना याद से।
बाकी कोई परेशानी है तो अनअकैडमी के पूरी टीम 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध है, परेशानी तो आनी चाहिए आपको कुछ ना कुछ, है ना, सही है जी। चलो शालू उपाध्याय समझ में आ गया आपको, ओके। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कल शाम को 5 बजे फिर आपको मिलूंगी मैं नए क्वेश्चंस के साथ में। अगर लगता है कि मेहनत करनी है, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, नौकरी पानी है, एग्जाम क्लियर करना है, कुछ बन के दिखाना है, तो कृपया करके आ जाना और रोज आया करो। ये 2 दिन अटेंड करके 4 दिन नहीं आओगे तो मैं क्या, कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ बात समझ में आई है, और वीडियो को लाइक कर देना, जाने से पहले शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, ठीक है। कल वापस मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा सा अपने माइंड रिफ्रेश कर लो और जो बात मैंने बोली थी उसको यहाँ डाल लो अच्छे से, ठीक है। कल मिलना।